मैं विक्रांत कुमार सिंह जौनपुर डेली टाइम से। मैं इस समय वाजिदपुर तिराहा पे हूँ जहाँ पे छात्रों द्वारा आर्सेनिक और यहाँ पे पथराव किया गया है। आइए इसकी कुछ हम आपको फोटोज दिखाते हैं। यहाँ पे काफी भारी मात्रा में जो है पत्थर ईट पत्थर फेंका गया है, कुछ यहाँ जलाया भी गया है। यहाँ पे ये लोग टीओडीओ के वापसी के लिए मांग कर रहे हैं तथा यहाँ पे अपने परमानेंट भर्ती के लिए इनकी मांगे हैं कि हमको परमानेंट किया जाए, हम 4 साल की नौकरी नहीं करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे भारी मात्रा में छात्र इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे रास्ता जाम कर दिया गया तथा पथराव भी किया गया है। जो यहाँ पे सभी ईट पत्थर के अलावा यहाँ पे तमाम आर्सेनिक फैलाए गए हैं। और मैं विक्रांत कुमार सिंह जौनपुर डेली टाइम जो 4 साल हो गए हम लोग को दौड़ते। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ उम्र के लिए कि क्या फाउंडेशन है? उम्र के लिए सर देखो सर, अभी जब लड़के उग्र प्रदर्शन पे छपरा हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे जब लड़के रोड पे निकले तो क्या अभी सुनने में आ रहा है, अभी क्लियर नहीं है, अभी सुनने में आ रहा है कि 2 साल उम्र को लेकर बढ़ा दिया गया है। तो सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब लड़के प्रदर्शन पे निकले तो ये सब उम्र बढ़ाए या फिर कुछ करें। सर ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ आए हैं, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हम लोग शांति से यहाँ से चले जाएंगे। अभी आप हिमांशु नागपाल जी से बात की, जॉइन मिनिस्टर से, आप लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा सर कि मुझे आप विज्ञापन दे दो और हम चले जाएंगे। सर 4 साल से विज्ञापन हम लोग डोल डोल के ग्राउंड पे दे रहे हैं, 4 साल से कुछ हो नहीं रहा है, तो आज विज्ञापन देने से क्या मतलब है सर? दे ब्लड से लिख के दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, चले जाएंगे। आपका प्रदर्शन जैसे किस पे खत्म, आप किससे बात, किस अधिकारी से बात करना चाहते हैं कि आप लोग संतुष्ट हो जाएं? बिल्कुल सर, हमारी जो है डीएम से, ठीक है सर, डीएम से बात करें और हमें पत्र हम लिख के दे, वो भी मुझे कुछ रिसीवर दे, तब हम लोग मानेंगे, तब यहाँ से हम लोग जाएंगे सर। चलिए, क्या कर रहे हैं सर? हमारी सीधी मांग केंद्र सरकार से है जी, और किसी से नहीं है। अगर जिस हिसाब से उन्होंने कहा, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि आप 17 से 21 में कीजिए, जो कि ये प्रदर्शन देखते हुए उन्होंने 23 साल तक किया, हमें ये 23 नहीं चाहिए। हाँ। हमें ये 23 नहीं चाहिए। अगर वो आप 23 करते हैं तो जितने भी नेता है वो 5 साल की अपनी ड्यूटी के बजाय 2 साल ड्यूटी करें, वो रिटायर होने के बाद अपना पेंशन कट करें, और वो चाहिए बिल्कुल हमें चाहिए। और जिस हिसाब से हमारी पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी वही हमको चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और सिक्योरिटी की हटा दे, क्योंकि बच्चे जितने भी हैं जो भी हैं सारे दौड़ने वाले फौज में ही जाएंगे, पढ़ने लिखने वाला अगर कोई होता अच्छे से तो वो दूसरे विभाग में चला जाता। तो हमारी सीधी मांग है कि वही जाए। अगर हम 10 साल तैयारी करते हैं, 3 साल उसमें एनसीसी काटे, 4 साल भर्ती की, उसके बाद आप हमको बाहर छोड़ देंगे, तो 4 साल का इन्वेस्टर बाहर आके क्या करेगा? उसको गन चलाने की आदत है तो बाहर तो गन ही ढूंढेगा ना। ये सीधा सीधा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, सीधा मेन मुद्दा यही है। और ये राजनाथ सिंह से अपील है हमारी, ये अपना फैसला में बदलाव करें, जो भी पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी वो फिर से उसको लागू करें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और रही बात यहाँ के डीएम सर से बात करने की, तो ठीक है, डीएम सर भी हमें जिस हिसाब से मेरे भाई ने कहा कि वो हमें एक रिसीवर दे कि हम ऐसी ऐसी बातों को करेंगे, केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, वैसा एक रिसीवर हमको रिसीव कराए, हम यहाँ से संतुष्ट हो जाएंगे, हम किसी भी प्रशासनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और सर हम लोग 3 साल एनसीसी किए हैं, 4 साल की नौकरी करेंगे, उसके बाद आने के बाद क्या करेंगे हम लोग? हम लोग यही चाहते कि ओडियो आप अभी तो भर्ती हो रहे थे, ऐसा अभी क्या हो रहा है ये बताइए। हाँ बोलिए। देखिए, हम आपको टीओडी की बात बताए तो न ही हम इजराइल सेना है, न ही हम रूसी सेना है, न ही हम चीन, हम है भारतीय सेना। भारतीय सेना सदैव अपने शौर्य और बलिदान के लिए जानी जाती है। तो अगर आप ही हैं, जैसे मान लीजिए आप संवाददाता हैं, आप हम लोग के बीच में हैं, 10 साल 12 साल रहेंगे तो आपको अपने से लगाव होगा ना। ये भारतीय सेना को नौकरी के जरिए से देख रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जी बोले थे कि भारतीय सेना नौकरी का जरिए नहीं है, लेकिन हम लोग नौकरी के जरिए के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल कंडीशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम अपने मदरलैंड से प्रेम करते हैं तो हम फौज में जाएंगे, लेकिन 4 साल की ये कौन सी बात है? कोई नेता मंत्री विधायक का लड़का जाता है फौज में सोल्जर के तौर पर, नहीं ऑफिसर के तौर पर जाता है जी। हम कहना चाहेंगे कि टीओडी वापस लें और पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करें। चलिए, यहाँ पे हम जानने की है, अब हम ये जानना कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितने भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो टीओडी वापस करने के लिए, मतलब वापस करने के लिए यहाँ अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको परमानेंट किया जाए, 4 साल की जो ये नौकरी हमको नहीं चाहिए, हमको परमानेंट नौकरी चाहिए। तो मैं विक्रांत कुमार सिंह जौनपुर डेली टाइम जाऊंगा।